मेरा हेयर लॉस जेनेटिक है, अब तो मुझे गंजा होने से भी कोई नहीं बचा सकता। मेरा हेयर लॉस जेनेटिक है, अब तो बालने से भी बचना इम्पॉसिबल है। मेरा हेयर लॉस जेनेटिक है, अब ट्रीटमेंट करके भी क्या फायदा? जेनेटिक हेयर लॉस का कोई ट्रीटमेंट है क्या? क्या जेनेटिक हेयर लॉस क्योरेबल है? क्या जेनेटिक हेयर लॉस को अवॉइड करना पॉसिबल है? जेनेटिक हेयर लॉस को कैसे स्लो करें? जेनेटिक हेयर लॉस का क्या क्योर है? जैसे आपको पता चलता है कि आपका हेयर लॉस जेनेटिक है, ऐसे कितने थॉट्स आपके दिमाग में आना शुरू हो जाते हैं और कितने ही पेशेंट उम्मीद छोड़ देते हैं, और कुछ तो ये सोच करके हेयर लॉस जेनेटिक है कभी किसी डॉक्टर को अप्रोच भी नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं है, अब जेनेटिक हेयर लॉस के पेशेंट को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जेनेटिक हेयर लॉस को आप स्लो कर सकते हो, जेनेटिक हेयर लॉस को आप डिले कर सकते हो, लंबे समय तक आप अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हो। मॉडर्न साइंस ने हेयर लॉस से लड़ने के लिए जितने ट्रीटमेंट डेवलप किए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जेनेटिक हेयर लॉस से लड़ने के लिए ही ट्रीटमेंट डेवलप किए हैं। सो जेनेटिक हेयर लॉस को आप कैसे स्लो करें, कैसे डिले करें, और जेनेटिक हेयर लॉस के किस स्टेज में क्या बेस्ट ट्रीटमेंट है, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हाय, मैं हूँ डॉक्टर सत्यजीत कंगले, MD डर्मेटोलॉजिस्ट, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और हेयर एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं इंडिया का सबसे ट्रस्टेड, ऑथेंटिक और साइंटिफिक हेयर चैनल एडॉन हेयर केयर। एडॉन हेयर केयर इंडिया में अपने इनोवेटिव हेयर ट्रीटमेंट जैसे एडॉन सीरिल फिनस्ट्रॉन्ग 2.5X सॉल्यूशन, ग्रोडेंस हेयर सीरम, बेस्ट PRP और बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाना जाता है। आप हमारे वेबसाइट addonhaircare.com विजिट करके बेस्ट हेयर प्रोडक्ट और ट्रीटमेंट ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, ऑनलाइन हेयर कंसल्टेशन बुक भी कर सकते हो और बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट भी करा सकते हो। जेनेटिक हेयर लॉस को आप दो तरह से पहचान सकते हो। पहला, इसमें फ्रंट स्कैल्प से क्राउन तक के बाल पतले या मिनिएचराइज होने लगते हैं। मिनिएचराइजेशन सिर्फ जेनेटिक हेयर लॉस में ही होता है, किसी और हेयर कंडीशन में नहीं। दूसरा, जेनेटिक हेयर लॉस में ग्रेडिंग होता है, Grade 1 से Grade 7 तक, किसी और हेयर लॉस में भी ग्रेडिंग डेवलप नहीं होता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि जेनेटिक हेयर लॉस का ट्रीटमेंट नहीं है, जेनेटिक हेयर लॉस का भी काफ़ी इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है। चलिए अब समझते हैं कि जेनेटिक हेयर लॉस के कौन कौन से स्टेजेस है और उन स्टेजेस के ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। जेनेटिक हेयर लॉस का फर्स्ट स्टेज होता है हेयर लॉस। जब भी आपको तकिए, बुक, आईपैड, कंघी, घर के टाइल्स या बाथरूम में बाल दिखने लगे तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, और अगर गिरे हुए बालों में मिनिएचराइजेशन या पतले बाल दिखने लगे तो ये समझ ले कि अभी आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ऐसे कंडीशन में एकदम से मिनोक्सिडिल स्टार्ट ना करें, ऐसा ट्रीटमेंट स्टार्ट करें जो हेयर लॉस को रोक दे, जैसे ग्रोडेंस हेयर सीरम और हेयर सप्लीमेंट का कॉम्बिनेशन। मींस फर्स्ट स्टेज ऑफ जेनेटिक हेयर लॉस वो स्टेज है जिसमें सिर्फ हेयर लॉस हो रहा है बट गैप डेवलप नहीं हुआ है। जेनेटिक हेयर लॉस का दूसरा स्टेज वो स्टेज है जिसमें गैप दिखने लग जाए, मिनिएचराइज या पतले बाल आपके सर पर दिखने लग जाए। पहले स्टेज में पतले बाल सिर्फ गिरे हुए बालों में दिखता है, बट इस स्टेज में आपको पतले पतले बाल मेल पैटर्न एरिया में डेवलप होने दिखाई देने लगेगा और बालों के बीच में गैप भी आ जाएगा। इसे डिफ्यूज हेयर लॉस भी कहा जाता है। जेनेटिक हेयर लॉस के इस स्टेज पर मेडिसिन बेस्ट ऑप्शन है, जैसे मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन, फिनेस्टराइड टैबलेट, मिनोक्सिलो फिनेस्टराइड का टॉपिकल कॉम्बिनेशन, मल्टीविटामिन, डर्मा रोलर, PRP इत्यादि। पहले 5% मिनोक्सिडिल से स्टार्ट करें, बट सफिशिएंट ड्यूरेशन के लिए आपको लेना है। अगर फर्क नहीं दिखे तो फिनेस्टर ऐड कर दे, ज़रूरत हो तो डर्मा रोलर भी यूज़ करे, फिर भी डेंसिटी इंप्रूव नहीं हो रहा है तो PRP स्टार्ट करें। बट एक एक करके शुरू करें, ऐसा नहीं कि सीधा 10% मिनोक्सिडिल यूज़ करे या कई मेडिसिन का कॉम्बिनेशन डायरेक्टली शुरू कर दे। क्या आपको पता है कि इंडिया में मिनोक्सिडिल फिनेस्टर का बेस्ट और स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन कौन सा है, जो ऐसे कंडीशन में भी हेयर रीग्रोथ करा सकता है और जिसका कोई सेक्सुअल साइड इफेक्ट भी नहीं है? वो है एडॉन सीरिल फिनस्ट्रॉन्ग 2.5X सॉल्यूशन, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जेनेटिक हेयर लॉस का तीसरा स्टेज होता है कंप्लीट बाल्डनेस। ये 1 से लेकर 7 ग्रेड तक का होता है। किसी भी ग्रेड में कंप्लीट बाल्डनेस का बेस्ट ट्रीटमेंट है हेयर ट्रांसप्लांट। अगर आपको किसी भी एरिया में कंप्लीट बाल्डनेस है, एज 25 के ऊपर है और हेयर फॉल स्टेबल है, तो आप हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। कभी कभी जेनेटिक हेयर लॉस के साथ में कई और भी इशू आते हैं, जैसे ड्राई स्कैल्प, ऑयली स्कैल्प, डैंड्रफ, इलोजन एफ्लुवियम या डिफ्यूज एलोपेशिया एरिया का। ऐसे कंडीशन में जेनेटिक हेयर लॉस के अलावा दूसरे कंडीशन का भी ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि जेनेटिक हेयर लॉस से डरने वालों को एक नई उम्मीद मिली होगी। अब भी आपको अगर कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन है, तो एडॉन क्लिनिक को कॉन्टैक्ट करें। आपकी कंडीशन को देखकर आपको बेस्ट ट्रीटमेंट सजेस्ट किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड टू एडॉन हेयर।